हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि रिव्यू एप्लीकेशन जो होता है, रिव्यू टास्क किस तरह से करने होते हैं। मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट दो तीन अभी रिव्यू टास्क किए हैं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इन रिव्यू में आके आप देख सकते हैं लो डाटा पे, यहाँ पे आपने जितने भी किए होंगे इन रिव्यू में अभी है, और हर एक रिव्यू टास्क के आपको 2000 पॉइंट्स मिलते हैं। और ये कब आपको कंप्लीटेड मिलेंगे, अभी यहाँ पे कोई भी टास्क अभी कंप्लीटेड नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये कब होंगे कंप्लीटेड, अभी जो भी आप टास्क करते हैं वो आ जाता है आपका इन रिव्यू में। इन रिव्यू में आने के बाद वो आपको 24 से 48 घंटे में, सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है, सैटरडे संडे को आपका जो है ये रिव्यू टास्क वो अप्लीकेबल नहीं होगा, अप्रूव नहीं होता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्योंकि सैटरडे संडे को ऑफिस नहीं खुलती है। तो जो भी आप टास्क करते हो वो इन रिव्यू में आ जाता है, और 24 से 48 घंटे मैक्सिमम 48 घंटे 24 से 48 घंटे में वो आपको कंप्लीटेड होकर यहाँ पे शो कर जाएगा कंप्लीटेड, और आपके जो पॉइंट्स हैं, जो भी 2000 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपके वॉलेट में क्रेडिट कर जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको आसान भाषा में, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, आसान भाषा में, सिंपल भाषा में सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको रिव्यू एप्लीकेशन यानी रिव्यू टास्क करने होते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे दिखेगा, और जो एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ओके, तो उस एप्लीकेशन में से किसी एक एप्लीकेशन, जैसे मैं गर्ल ट्राउजर डिजाइन, इस एप्लीकेशन को मैं रिव्यू करता हूँ। तो सिंपली आपको रिव्यू में क्लिक करना है। जैसे ही आप रिव्यू में क्लिक करोगे, रिव्यू में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, आई लव दैट ऐप हैज अ विशलिस्ट पिक्चर, तो इसको जो है आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से जो है आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी कर लेते हो, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, नीचे यहाँ देखिए गिव रिव्यू किया हुआ है, इस पर गिव रिव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही गिव रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा, आपको इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, ये दिख रहा है प्रोसीड, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ है कि इफ यू हैव कैप्चर ब्लैक स्क्रीन एज अबव कैप्चर इट अगेन, अगर आपका हिंदी में लिखा हुआ, अगर आपने ऊपर दिखाए गए ब्लैक स्क्रॉट स्क्रीन शीट कैप्चर करते हो तो इसे फिर से ले, यानी आपका ये कैप्चर नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिख जाएगा, पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आएगा हाउ इट डाउनलोड, तो ओके आई ओपन प्ले स्टोर मैनुअली, यानी आपको गूगल प्ले स्टोर मैनुअली ओपन करना है, तो ओके इस पर कर दीजिए। इसके बाद आएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इसको स्टार्ट नाउ कर दीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दी जाएगा, ओके SS1 SS2 स्क्रीनशॉट 1 स्क्रीनशॉट 2, ओके इस तरह से आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्या बोला था आपको कि खुद से गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, तो चलिए गूगल प्ले स्टोर को हम ओपन करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गर्ल ट्राउजर डिजाइन, तो इसको हमें सर्च करना है, गर्ल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ उसी को सर्च करना है, गर्ल ट्राउजर TROUSUSER ट्राउजर डिजाइन, इसको सर्च कर लीजिए, ओके ये देखिए ऊपर में आ गया। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है SS1 में वही आपको कैप्चर करना है, ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही आपको SS1 में कैप्चर करना है, ताकि आपका जो टास्क है वो रिजेक्टेड ना हो, आपकी मेहनत बर्बाद ना हो। तो आपने मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, और मैं जो बातों को बोल रहा हूँ और जो स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ, दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ओके। तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसी को SS1 में कैप्चर करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये थोड़ा देर के बाद ग्रीन टिक हो जाएगा, यानी मेरा SS1 यानी कैप्चर हो गया है। उसके बाद जो है दूसरा कौन सा देना है, तो इस पर क्लिक कीजिए, मैंने आपको कॉपी करवाया था ना, तो उसको यहां पे पेस्ट करना है। कहां पेस्ट करना है मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आपको 5-star रेटिंग देना है, 5-star रेटिंग दे दीजिए, और यहां पे जो आपको मैंने वहां पे कॉपी करवाया था, ठीक है, यहां पे पेस्ट कर दिया, यहां से पोस्ट कर दीजिए, यहां पे पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पोस्ट कर देते हैं, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, तो रिव्यू आपने दे दिया, और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपका नाम से रिव्यू दिया हुआ होगा विशेषज्ञ का, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसमें जो 5-star रेटिंग दिया हुआ है और कमेंट किया हुआ है, तो इसको SS2 में कैप्चर करना है। SS2 में इस पर क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये थोड़ा देर के बाद कैप्चर स्क्रीनशॉट टू कैप्चर, यानी ये हमारा हो गया। उसके बाद बैक आ जाना आपको एम्बिएंट वबाम एप्लीकेशन में। उसके बाद देखिए जो आपको करवाया था जो इसमें आ गया, सेम टू सेम देखिए जो स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है वही आपको इसमें आ गया, और जो पहले वाले में आपको दिखाया था ये वाला फर्स्ट वाले में आ गया है, ओके। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा, उसके बाद दिखा देगा स्क्रीनशॉट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लाइव करके, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए स्क्रीनशॉट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। उसके बाद आप इन रिव्यू में आपको देख सकते हैं, लोड डाटा कीजिएगा, तो अभी जो हमने किया है वो एप्लीकेशन में यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये भी आ गया। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना है, और मैं एक और टास्क करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये आप देख सकते हैं मैंने दूसरा भी कर लिया है लगभग, SS2 से स्क्रीनशॉट को मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एमरिन में,
ओके, यहाँ से फिर अपलोड करता हूँ। मैंने लगातार अभी दो एप्लीकेशन को जो रिव्यू टास्क होते हैं वो रिव्यू टास्क मैंने कर लिए हैं। तो जो भी मैं रिव्यू टास्क करता हूँ या फिर हम लोग जो भी रिव्यू टास्क करते हैं वो 24 से 48 घंटे में जो है आपको अप्रूव में आ जाता है। अभी इंटरव्यू में होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं आज मैंने कितने रिव्यू टास्क किए हैं, 1 2 3 4, तो 4 मैंने अभी रिव्यू टास्क किए हुए हैं, और ये 24 से 48 घंटे बाद। और कभी कभी अगर होता है कि 2 3 घंटे में भी अप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। बट हाँ, मैक्सिमम अगर आपका नहीं होता है तो आपको परेशान नहीं होना है। 24 से 48 घंटे में है जो है आपको मैक्सिमम 48 घंटे आपका अप्रूव होके कंप्यूटर में दिखा जाएगा और आपको जो है उसके पॉइंट वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी टीम मेंबर के साथ इस वीडियो को लिंक के जरूर से जरूर शेयर करें, और मिलते हैं रात के लाइव सेशन में। धन्यवाद।